हेलो एवरीवन, वेलकम टू हितेश एजी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डेयरी टेक्नोलॉजी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। इससे पहले भी 3 वीडियोस आ चुके हैं इसी टॉपिक पर, जहां पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उनको डिस्कस किया गया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो अपना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच प्रोटीन इज हाईएस्ट इन कोलेस्ट्रम। कोलेस्ट्रम में सबसे ज़्यादा कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, केसिन, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो तीनों प्रोटीन कोलेस्ट्रम में प्रेजेंट होती हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा मात्रा में होती है वो होती है ग्लोबुलिन। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ग्लोबुलिन, जिसकी वजह से जो कोलेस्ट्रम होता है वो कॉगुलेट कर जाता है हीटिंग करने पर, गर्म करने पर वो क्या कर जाता है, फट जाता है। कोलेस्ट्रम को हिंदी में कहते हैं खीस। ठीक है, खीस को जब गर्म करते हैं तो वो फट जाता है, क्योंकि उसमें ग्लोबुलिन का परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा होता है। व्हाट इज़ द प्रिंसिपल, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ द प्रिंसिपल कार्बोहाइड्रेट इन मिल्क। जो मिल्क में मेन कार्बोहाइड्रेट होता है, या जो प्रिंसिपल कार्बोहाइड्रेट, जो मेन कार्बोहाइड्रेट होता है वो कौन सा होता है, लैक्टोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज या स्टार्च। सो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, लैक्टोज। जो लैक्टोज होता है वो मेन कार्बोहाइड्रेट होता है मिल्क में, जो कि एक क्या है, जिसे हम लोग दूसरे नाम से जानते हैं, मिल्क शुगर, जो कि सिर्फ मिल्क में ही पाया जाता है और कहीं लैक्टोज नहीं पाया जाता है। सुक्रोज क्या है, जो नॉर्मल शुगर होता है। फ्रक्टोज जो फ्रूट से मिलता है शुगर, और स्टार्च पोटैटो से मिलता है। ठीक है, शुगर बीट इन सभी से क्या मिलता है, स्टार्च मिलता है। तो लैक्टोज के बारे में याद रखना है, ये डाइसैकेराइड है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट कैसा है, डाइसैकेराइड है और सिर्फ मिल्क में ही पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, विच प्रोसेस इज एप्लीकेबल इन मिल्क प्रोसेसिंग। मिल्क प्रोसेसिंग में कौन सा प्रोसेस एप्लीकेबल होता है, बेकिंग, ब्लेंचिंग, रोस्टिंग या पॉस्चराइजेशन। इनमें से कौन है जो कि मिल्क प्रोसेसिंग में यूज़ किया जाता है। तो बेकिंग करते नहीं हैं, ब्लेंचिंग जनरली हम लोग वेजिटेबल को ब्लेंच करते हैं। ठीक है, रोस्टिंग भी नहीं करते हैं, रोस्टिंग मतलब भूनना होता है। और तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, पॉस्चराइजेशन। ठीक है, जिनलिए स्टरलाइजेशन मेथड होता है, जिसमें मिल्क को हम लोग पार्शली स्टरलाइज कर देते हैं, ताकि काफ़ी लंबे समय तक उसको हम लोग प्रिजर्व कर सके। देन क्वेश्चन नंबर 4, नेम द मेजर प्रोटीन ऑफ मिल्क। मिल्क में जो मेजर प्रोटीन होता है वो कौन सा होता है, केसिन, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन या इनमें से कोई नहीं। तीनों प्रोटीन मिल्क में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, लेकिन हमसे पूछा है मेजर प्रोटीन में जो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, तो वो है केसिन। ठीक है, केसिन अप्रॉक्सीमेट 80% क्या है, पाया जाता है मिल्क में। ठीक है, केसिन 80% पाया जाता है, और 0.5% एल्ब्यूमिन पाया जाता है, और 0.10% क्या पाया जाता है, ग्लोबुलिन। तो मेजर प्रोटीन क्या हो जाएगा, केसिन। देन क्वेश्चन नंबर 5, लैक्टोज कंटेन 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ, ठीक है, जो लैक्टोज होता है वो 2 मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल होता है, दूसरा किसका मॉलिक्यूल होता है, फ्रक्टोज का होता है, गैलेक्टोज का होता है या सुक्रोज का होता है। सो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, गैलेक्टोज। लैक्टोज इज मेड अप ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ गैलेक्टोज। देन क्वेश्चन नंबर 6, नॉर्मल pH ऑफ फ्रेश मिल्क इज, ठीक है, जो नॉर्मल pH होता है मिल्क का, फ्रेश मिल्क जो होता है उसका pH कितना होता है, 6.6 या 5.5 या 7 या 4। तो मिल्क हल्का सा एसिडिक होता है, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का सा एसिडिक होता है, और ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, 6.6। जो नॉर्मल pH होता है मिल्क का वो 6.6 होता है, लेकिन आप कोलेस्ट्रम की बात करें तो कोलेस्ट्रम का pH और भी ज़्यादा, और भी कम हो जाता है, जो कि हो जाता है 6। ठीक है, 6.0 हो जाता है हमारा कोलेस्ट्रम का pH। देन क्वेश्चन नंबर 7, एवरेज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ काउ मिल्क इज। काउ मिल्क का जो फ्रीजिंग पॉइंट है एवरेज, वो कितना होता है। सभी मिल्क में अलग अलग फ्रीजिंग पॉइंट होता है, बुफेलो का अलग होता है, काउ का अलग, काउ में भी अलग अलग होता है, लेकिन जो एवरेज फ्रीजिंग पॉइंट है वो कितना होता है, -0.547 या -0.559 या -0.549 या 449। करेक्ट ऑप्शन इसमें से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, -0.547, ये एवरेज फ्रीजिंग पॉइंट होता है। अगर बुफेलो का पूछे तो बुफेलो का होता है -0.549। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो डिजॉल्व सॉलिड होते हैं वो थोड़ा सा ज़्यादा होते हैं, इसलिए इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो हल्का सा कम हो जाता है, लोअर हो जाता है। अगर आप किसी भी चीज़ में कोई
सब्सटेंस मिला देंगे, ठीक है, इनर्ट मटेरियल, तो उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से जो बुफेलो का फ्रीजिंग पॉइंट है वो कम हो जाता है, क्योंकि इसमें जो डिजोल्व सॉलिड होते हैं वो ज़्यादा पाए जाते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 8, लाइपेज एंजाइम इज कंसर्न विद द डाइजेशन ऑफ, जो लाइपेज एंजाइम है, ठीक है, ये किसको डाइजेस्ट करता है, प्रोटीन को, फैट को, विटामिन को या स्टार्च को? सो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, फैट, ठीक है। लाइपेज एंजाइम इज कंसर्न विद द डाइजेशन ऑफ फैट। अगर प्रोटीन की बात करें, प्रोटीन को कौन डाइजेस्ट करता है, तो प्रोटीएज, ठीक है। स्टार्च के लिए होता है अमाइलेज, ठीक है, स्टार्च के लिए क्या होता है, अमाइलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मेनी कंपार्टमेंट आर इन द स्टमक ऑफ रूमिनेंट्स है, ठीक है, जो रूमिनेंट्स होते हैं उनके कितने स्टमक में कितने कंपार्टमेंट्स होते हैं, जो जुगाली करने वाले पशु होते हैं, ठीक है, उनके पेट में कितने कंपार्टमेंट्स होते हैं? तो जनरल ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 4, ठीक है, 4 कंपार्टमेंट्स होते हैं। पहला है र्यूमेन, दूसरा है रेटिकुलम, थर्ड इज ओमेसम एंड फोर्थ इज ओबोमेसम। तो टोटल 4 कंपार्टमेंट्स होते हैं, जिसमें से सबसे बड़ा क्या होता है, र्यूमेन, जो र्यूमेन होता है वो सबसे बड़ा होता है, ठीक है, अप्रॉक्सीमेट 50% ये कवर करता है पूरे स्टमक में। देन क्वेश्चन नंबर 10, मॉइस्चर कंटेंट इन सेक्युलेंट फीड, ठीक है, जो रसीलेदार चारे होते हैं उनमें मॉइस्चर कंटेंट कितना होता है? सो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 18%। कितना परसेंट होता है, 18%, जो रसीलेदार चारे होते हैं उसमें जो मॉइस्चर कंटेंट होता है वो 18% होता है। देन क्वेश्चन नंबर 11, द परसेंटेज ऑफ लैक्टोज इन ह्यूमन मिल्क इज अबाउट, ठीक है, जो ह्यूमन का मिल्क होता है उसमें लैक्टोज का परसेंटेज कितना होता है, 8.8 या 4.9, 5.2 या 6.8? सो करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 6.8। ह्यूमन मिल्क का जो लैक्टोज कंटेंट होता है वो 6.8 होता है। अगर 8.8 किसका होता है इसके बारे में पूछे, तो एलिफेंट का होता है, काउ का 4.9 होता है, और जो बुफेलोज होती हैं उनमें 5.2% लैक्टोज पाया जाता है। देन क्वेश्चन नंबर 12, फैट इन मिल्क इज, जो मिल्क में फैट होता है वो किस प्रकार होता है, ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शन, जैसे तेल में, पानी में तेल हो जाता है, या वाटर इन ऑयल टाइप इमल्शन, या पानी में जैसे तेल होता है, या ऑयल इन स्टार्च टाइप? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑयल इन वाटर टाइप। जैसे हम लोग पानी में तेल मिला देते हैं वैसे ही मिल्क में फैट होता है, मीन्स ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शन। देन क्वेश्चन नंबर 13, द येल्लो कलर ऑफ काउ मिल्क इज ड्यू टू, जो काउ का मिल्क होता है वो स्लाइटली येलोइश इन कलर होता है, वो किसके कारण होता है, राइबोफ्लेविन के कारण होता है, या कैरोटीन, या कलर के कारण होता है, ठीक है, मान लीजिए कोई कलर मिला दिया उसके कारण हो गया, या ए और बी, मीन्स राइबोफ्लेविन और कैरोटीन दोनों के कारण होता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, कैरोटीन। जो मिल्क होता है वो स्लाइटली येलोइश इन कलर होता है, जो कि काउ के मिल्क में कैरोटीन बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, स्लाइटली येलोइश इन कलर हो जाता है। अगर आपसे पूछे कि ग्रीनिश येलो किसके कारण होता है, तो वो राइबोफ्लेविन के कारण होता है। आपने देखा होगा वे, ठीक है, WHEY, जब छेना बनाते हैं उसमें लास्ट में जो पानी बचता है वो, उसको हम लोग वे कहते हैं, उसका जो कलर होता है वो हल्का सा ग्रीनिश येलो होता है, तो वो होता है राइबोफ्लेविन के कारण, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 14, केसिन अकर्स इन मिल्क इन द स्टेट ऑफ, जो केसिन होती है, ठीक है, वो मिल्क में किस फॉर्म में होती है, किस फॉर्म में अकर होती है, कोलाइडल सॉल्यूशन, या कोलाइडल सस्पेंशन, या ट्रू सॉल्यूशन, या ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शन? ये होती है कोलाइडल स्टेट में, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, कोलाइडल सॉल्यूशन। सो करेक्ट ऑप्शन इज कोलाइडल सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन की बात करें तो वो वाटर होता है हमारा, और ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शन में फैट होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, मिल्क डज नॉट कंटेन, इनमें से कौन है जो मिल्क में नहीं पाया जाता है, विटामिन सी, विटामिन बी, आयरन या फाइबर, ठीक है। तो मिल्क में ये सभी पाए जाते हैं, विटामिन बी तो काफ़ी मात्रा, ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, लेकिन जो विटामिन सी है वो एकदम इनसिग्निफिकेंट अमाउंट में, तो बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, और आयरन भी बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। लेकिन जो कोलेस्ट्रम स्टेज में सबसे, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कौन से स्टेज में आयरन सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो वो कोलेस्ट्रम स्टेज में है, ठीक है। मिल्क में जो कोलेस्ट्रम का स्टेज होता है, जहाँ पर जब कोलेस्ट्रम होता है उसमें सबसे ज़्यादा आयरन पाया जाता है, तो इनमें से कौन नहीं पाया जाता है, तो वो फाइबर है, ठीक है। मिल्क में फाइबर नहीं पाए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो इन्फेंट्स होते हैं, बच्चे होते हैं, वो उसको ईजिली डाइजेस्ट कर जाते हैं, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 16, विच मिल्क हैज़ लोवेस्ट कर्ड टेंशन,
किस मिल्क का सबसे कम कर्ड टेंशन होता है? जिस मिल्क का जितना ही कम कर्ड टेंशन होगा उतना ही ज़्यादा उसको ईजिली डाइजेस्ट कर पाएंगे, ठीक है। जो इन्फेंट्स होते हैं, बच्चे होते हैं, वो मिल्क को ईजिली डाइजेस्ट कर पाएंगे अगर उसका कर्ड टेंशन क्या होगा, कम होगा। कोई भी डाइजेस्ट कर जाएगा अगर उसका कर्ड टेंशन कम है। तो किस मिल्क का सबसे कम का कर्ड टेंशन होता है? तो ये होता है ह्यूमन मिल्क का, ठीक है। ह्यूमन मिल्क का जो कर्ड टेंशन होता है वो जीरो होता है, इसीलिए जो इन्फेंट्स होते हैं वो ईजिली उसको डाइजेस्ट कर जाते हैं, छोटे बच्चे। देन क्वेश्चन नंबर 17, पीएच ऑफ कोलेस्ट्रम इज, कोलेस्ट्रम का पीएच कितना होता है? 6.6, 7 या 6 या 5.6। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 6.0, ठीक है। कोलेस्ट्रम का जो पीएच होता है वो 6.0 होता है, मीन स्लाइटली एसिडिक हो जाता है। लेकिन जो नॉर्मल मिल्क होता है उसका पीएच होता है 6.6, और जो वाटर उसका पीएच होता है नॉर्मल वाटर का 7। देन क्वेश्चन नंबर 18, द प्राइस ऑफ द मिल्क इज गिवेन ऑन द बेसिस ऑफ, जो ठीक है मिल्क अगर हम लोग किसी को देते हैं तो उसके प्राइस लेते हैं, वो किस बेसिस पर दिया जाता है? किसी का प्राइस ज़्यादा होता है मिल्क का, किसी का कम होता है, तो वो किस बेसिस पर होता है? तो वो होता है फैट के बेसिस पर, ठीक है। फैट हम लोग मिल्क को जो देते हैं वो फैट के बेसिस पर देते हैं। अगर हम लोग दुकान से मिल्क लाने जाते हैं तो वहाँ पर भी फैट वाला जो मिल्क होता है उसका अलग रेट होता है, और जो स्किम मिल्क होता है उसका अलग रेट होता है। तो फैट जो होता है उस मेजर होता है जिसके बेसिस पर मिल्क का जो प्राइस है वो डिसाइड होता है। देन क्वेश्चन नंबर 19, कोलेस्ट्रम कोगुलेट्स ऑन हीटिंग ड्यू टू, कोलेस्ट्रम मीन्स खीस को हम लोग गर्म करते हैं तो वो कोगुलेट कर जाता है, फट जाता है, वो किसके कारण होता है? लैक्टोज, केसिन, एल्ब्यूमिन या ग्लोबुलिन। ये सभी मिल्क कोलेस्ट्रम में पाए जाते हैं। लैक्टोज तो बहुत कम पाया जाता है, ठीक है। केसिन पाया जाता है, एल्ब्यूमिन पाया जाता है और ग्लोबुलिन, ये चारों पाए जाते हैं। लेकिन जो कारण होता है जिसके कारण वो कोगुलेट कर जाता है वो है ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन के कारण कोलेस्ट्रम क्या है? कोगुलेट कर जाता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लेटिंग डाउन ऑफ मिल्क, लेटिंग डाउन मीन्स मिल्क इजेक्शन के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट हार्मोन है? ऑक्सीटोसिन, एड्रेनालाइन, ईस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लेटिंग डाउन ऑफ मिल्क। एड्रेनालाइन हमारे जिसको हम लोग फियर हार्मोन कहते हैं, जब हम लोग डर जाते हैं तो एड्रेनालाइन हार्मोन हमारा एक्टिव हो जाता है। और ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन है, ये दोनों भी पाए जाते हैं, लेकिन ये किसके द्वारा? ये हमारा जो मिल्क है उसको इनहिबिट कर देते हैं, ठीक है। मिल्क सिक्रेशन को इनहिबिट कर देते हैं, और ये ज़्यादातर जो मिल्क प्रेगनेंसी के समय काऊ मिल्क नहीं देती है, बफेलो मिल्क नहीं देती है, इन्हीं हार्मोन के कारण, ठीक है। ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के कारण मिल्क नहीं देती है प्रेगनेंसी समय, ये प्लेसेंट्रा के द्वारा सिक्रेट किए जाते हैं। तो ये भी याद रखना है, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहिबिटिंग द सिक्रेशन ऑफ मिल्क ड्यूरिंग प्रेगनेंसी।